हाय गाइज, मैं इमाना सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल के रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज मैं फिर आपके लिए सिंथेसिस का पांचवा भाग लेके आया हूं दोस्तों। अगर इसके पहले वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो हमारी आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो आज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस का रूल नंबर 4 जो है वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो आज मैं आपको क्या बताऊँगा, बाई द यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड आर नाउन, मतलब जीरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके कैसे हम दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाएंगे वो बताएंगे। तो पहले आगे बढ़ने से पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट पावर। तो पहले आइए जान लेते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन दो शब्दों से बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री माने पहले, पोजिशन में स्थिति, मतलब किसी शब्द के पहले कोई आकर उसका संबंध दूसरे जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। तो आइए अब हम बैठते देखते हैं जीरंड क्या होता है। जीरंड, जी आर यू एन डी, जीरंड। जीरंड का हिंदी में अर्थ होता है संज्ञा, संज्ञावाचक क्रिया। ठीक है, इसका मतलब होता है संज्ञावाचक क्रिया। तो जीरंड किसे कहते हैं, तो लिख लीजिए डेफिनेशन, जब मुख्य क्रिया के में आईएनजी जोड़ दें, मतलब इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्क एज ए नाउन इज कॉल्ड जीरंड। मतलब मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दें और वह एक संज्ञा का काम करने लगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं, संज्ञावाचक क्रिया कहते हैं। तो जीरंड इक्वल टू आपका हो गया, जीरंड इक्वल टू वर्ब एम वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, मतलब इंग फॉर्म ही क्या होता है, जीरंड होता है। तो आइए कुछ जीरंड का एग्जांपल देते हैं, फिर उसके बाद हम जोड़ना सिखाते हैं। जैसे कह दिया टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभदायक है, मतलब लाभदायक है, अच्छा है, कुछ भी कह दो। तो इसमें क्या होगा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है गाइस, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ हो गया। मतलब वॉकिंग में देखिए, वॉक में हम क्या लगा दिए, आईएनजी जोड़ दिए, तो ये वॉकिंग आपका क्या है, यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है दोस्तों, यहाँ करता है ना, तो करता तो नाउन ही होता है, तो ये वॉकिंग हमारा क्या हो गया, जीरंड हो गया। तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ वॉकिंग हमारा क्या हो गया, जीरंड हो गया। इस तरह से जीरंड बनेंगे। तो अब आप चलते हैं हम कैसे जीरंड के द्वारा वाक्यों को जोड़ेंगे वो आइए सीखते हैं। दोस्तों जीरंड के या नाउन के पहले हम प्रीपोजिशन अभी बताते हैं कि वाक्य को लगा, प्रीपोजिशन लगा करके वाक्य को हम जोड़ते हैं। तो इसके लिए कुछ नीचे कंडीशन बता रहे हैं हम, तो उन कंडीशनों का प्रयोग करके हम इसको हम जोड़ेंगे। तो दोस्तों हमारी पहली कंडीशन है, इसकी है कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट। तो दोस्तों बाय द यूज ऑफ आन है, यूज ऑफ आन, आन का प्रयोग कब करेंगे, मतलब नाउन या जीरंड के पहले हम आन का प्रयोग कब करेंगे। देखिए लिख लीजिए, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर जाकर किसी दूसरे कार्य में भाग लेता है तो वहाँ पर जीरंड के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी स्थान पर जाकर और उसमें जो है भाग लेता है, दूसरे कार्य में भाग लेता है, तो उसके पहले क्या करते हैं, हम आन का प्रयोग करते हैं। तो आइए एग्जांपल देते हैं, जिसे ही वेंट, ये सेपरेट सेंटेंस है हमारा, सेपरेट, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। फिर उसके बाद दे दिया ही अटेंडेड द मीटिंग, डबली है मीटिंग। ठीक है गाइस, ही वेंट टू दिल्ली, ही अटेंडेड द मीटिंग, वह दिल्ली गया और वह मीटिंग में शामिल हुआ। तो यहाँ पर क्या है, हम दिल्ली जा रहे हैं, जाकर दूसरा काम मीटिंग में भाग ले रहे हो आप, तो इन दोनों वाक्यों को हम किससे जोड़ेंगे, जीरंड के प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। तो दोस्तों जो काम पहले हुआ है वही काम हम पहले लिखेंगे और उसी को हम जीरंड बनाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है,
पहले आप दिल्ली जा रहे हो कि पहले मीटिंग भाग ले रहे हो, तो पहले जाहिर सी बात है दिल्ली जाएंगे तभी भाग लेंगे। तो ये वेंट जो है यही हमारा जो है इसी को हमें क्या बनाना है, जीरण। तो वेंट का पहला रूप क्या होता है, गो होता है ना, ये हो जाएगा आपका कंबाइंड सेंटेंस हो जाएगा, कंबाइंड कंबाइंड क्या होगा, तो वेंट का पहला रूप क्या हो गया, गो हो गया। तो इसमें हो जाएगा आन गोइंग। अभी देखिए आन गोइंग, गोइंग क्या हो गया, चिरंट हो गया, आन गोइंग दिल्ली ही, आन गोइंग दिल्ली टू बी अट जाएगा, आन गोइंग दिल्ली ही, कामा मार के दूसरा वाक्य लिख लीजिए, ही अटेंडेड द मीटिंग, ही अटेंडेड अटेंडेड द मीटिंग मीटिंग, ये आपका जुड़ गया। बस यही करना है, कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत आराम से कर सकते हैं। कहीं पर कोई आदमी जा रहा है, दूसरा काम विभाग दे रहा है, तो आन गोइंग करके आगे उसके बाद लिखित कर दीजिए, सिंपल। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर सेकंड है, ठीक है गाइस। सेकंड कंडीशन क्या है कि दोस्तों अगर जहाँ पर एक काम के अतिरिक्त, एक काम के अतिरिक्त दूसरा कार्य भी किया जाए, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, बिसाइड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, बिसाइड्स, 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 बिसाइड्स मतलब अतिरिक्त होता है, अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब एक काम कर रहे हो उसके अलावा दूसरा भी काम आपने कर दिया, तो उसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। तो गाइज तो आइए वाक्य देखते हैं एग्जांपल कुछ। तो चलिए गाइज एग्जांपल आपके सामने आ चुका है। तो बिसाइड्स का प्रयोग मतलब एक काम के अतिरिक्त दूसरा काम कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे देखेंगे। सेपरेट सेंटेंस है, द टीचर बीट हिम, ही टर्नड हिम आउट ऑफ क्लास। मतलब इसका हुआ अध्यापक ने उसे पीटा, खूब मारा, और उसके बाद करा ही टर्न हिम आउट ऑफ, उसको क्लास से बाहर भी कर दिया। दो काम कर रहा है, अध्यापक मार रहा है, मारने के अलावा क्लास से भगा भी दिया, दोनों काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। तो इसका देखिए पहले काम कौन सा हो रहा है, टीचर मार रहा है, पीट रहा है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, जीरण बना देंगे। ये हो जाएगा बीट का ही क्या हो जाएगा, बीटिंग हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, तो आन बिसाइड्स, बिसाइड्स बीटिंग, बिसाइड्स बीटिंग हिम, देखो बीट जो है थर्ड सेकेंड फॉर्म में था, बीटिंग हो जाएगा इंग फॉर्म होगा। बिसाइड्स बीटिंग हिम, कामा मार के दूसरा वाक्य उतार लीजिए, ही टर्नड टर्नड हिम हिम आउट आउट ऑफ क्लास, ये हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल इसी पर और देखते हैं, जैसे है ही गेव मी एडवाइस, ही आल्सो हेल्प मी, उसने मुझे सलाह दिया और ही आल्सो हेल्प मी, और उसने मेरी सहायता भी की। दो काम कर रहा है, सलाह दे रहा हो, सहायता कर रहा, दोनों काम कर रहा। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये गेव का जो है इसी का गिविंग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंबाइंड सेंटेंस से बच्चों, क्या हो जाएगा, कंबाइंड बिसाइड्स, बिसाइड्स गिविंग, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग एडवाइस, मी लास्ट में आया उसी में जोड़ी जल्दी से, बिसाइड्स गिविंग एडवाइस, कामा मार के ये उतार लो, ही हेल्प्ड हेल्प्ड मी, इस तरह से ये आपका बन जाएगा, ठीक है गाइस। चलो सर मी आकर आप यहाँ लिख भी देते हो तो कोई बात नहीं, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प मी, इस तरह से इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ, अब देखते हैं। तो चलिए गाइस एग्जांपल आ गया है, नेक्स्ट कंडीशन हमारी थर्ड है कि अगर दोस्तों यहाँ लिखे हैं किसी कारणवश कोई कार्य न हो, मतलब अगर कोई कारण है, रीजन है, उसकी वजह से वो काम नहीं हो रहा है दूसरा कोई काम, तो वहाँ पर हम दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ या बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, ठीक है। इसमें से कोई भी आप लिख दीजिएगा, मतलब उसके नाउन या जीरण के पहले ये आपका प्रीपोजिशन है, ऑन अकाउंट ऑफ बिकॉज ऑफ ड्यू टू, ये प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग करके उनको आप जोड़ेंगे। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, सेपरेट सेंटेंस है, जैसे आई वॉज इल, मैं बीमार था, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गया। तो इसमें देखो ऑफिस न जाने का एक कारण है, क्या है,
मतलब हम बीमार हैं इसलिए आप इस हमने के रीजन है कारण है, तो इनको हम क्या करेंगे किससे जोड़ेंगे, आन अकाउंट ऑफ बिकॉज ऑफ ड्यू टू कोई भी आप लिख दीजिए काम हो जाएगा। तो चलिए किसी से भी जोड़ लेते हैं, चलिए आन अकाउंट ऑफ से ही जोड़ लेते हैं। तो आन अकाउंट ऑफ, अब देखिए यहाँ पर वाज आ गया ना, तो वाज का क्या हो जाएगा बींग हो जाएगा, याद रखना आन अकाउंट ऑफ बींग, ये इसका पहला रूप क्या है बी होता है, वाच का पहला रूप बी। अब बी में आई एन जी जुड़ेगा तो क्या होगा बीइंग, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग बीइंग इल कामा, अब बाकी उतार लीजिए आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, ये आपका हो गया। अब चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कंडीशन। तो दोस्तों अब हमारी चौथी कंडीशन ये है, इसी का उल्टा ये चौथा है, तीसरे का उल्टा ही चौथा कंडीशन है कि कारण रहने पर भी कार्य हो, ठीक है। अगर कोई कारण है परेशानी है फिर भी वो काम हो रहा है, दूसरा काम उल्टा हो रहा है और कारण है उसकी वजह से नहीं होने चाहिए लेकिन फिर भी काम हो रहा है, तो उन वाक्यों को हम किससे जोड़ेंगे, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, क्या होता है इसका मतलब के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद होता है, तो हमें इन स्पाइट ऑफ से उसको जोड़ देंगे। इसका ये उल्टा, इसमें कारण रहने पर वो काम नहीं हो रहा है तो ठीक है और इसमें कारण रहने पर भी हो रहा है तो इससे जोड़ेंगे। जैसे आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही वॉज पुअर ही हेल्प मी विथ मनी, मतलब कि वह गरीब था फिर करा ही हेल्प मी विथ मनी, वह धन से मेरी सहायता किया। जब गरीब है आदमी तो भैया कहाँ सहायता करेगा, कहाँ से पैसा देगा, नहीं कर पाएगा, तो यहाँ करीब था फिर भी काम कर रहा है, उल्टा हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर किससे जोड़ेंगे, हम इन स्पाइट ऑफ से जोड़ेंगे दोस्तों। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर कामा ही हेल्प मी विथ मनी, ये जोड़ दिया आपने। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर लिखे हैं कि आई मेड माई बेस्ट इफर्ट आई कुड नॉट पास बी ए, मैं अपना पूरा प्रयास किया लेकिन मैं बी ए पास नहीं कर सका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी इन स्पाइट आपका ही प्रयोग करके हमको जोड़ना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ माई बेस्ट इफर्ट ये आपका एक फ्रेज हो जा रहा है, ठीक है, इसी के पहले लगा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट इफर्ट मतलब प्रयास, अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी कामा मार के लिख लीजिए आई कुड नॉट पास बी ए, मतलब अपनी पूरी कोशिश भी किया फिर भी मैंने बी ए पास नहीं कर पाया। तो दोस्तों इसका जो है इसमें भी क्या है ना ने नी ही आता है, क्या आता है ना ने नी, ठीक है। झिरंड जो है झिरंड वाले वाक्य में भी क्या आता है ना ने नी भी आता है, मतलब अपनी कोशिश करने के बाद भी नहीं पास हुआ तो इसमें भी नाराज सब में ना ने नी इसमें आएगा, ध्यान रखना। तो चलते हैं कुछ और नियम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी कंडीशन नंबर 5 है, विदाउट का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है। विदाउट मतलब क्या होता है, बिना होता है, तो किसी के बिना कार्य न हो, मतलब अगर कोई आपका काम कर रहा है तभी आपका कार्य हो पा रहा है, तो अगर वो आदमी काम नहीं करता है आपका तो आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे विदाउट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बिना अगर काम नहीं चल पा रहा है तो विदाउट का प्रयोग, किसी वस्तु के बिना कार्य नहीं हो पा रहा तो वहाँ पर विदाउट का प्रयोग, व्यक्ति के बिना नहीं हो रहा तो विदाउट का प्रयोग करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। सेपरेट सेंटेंस है यू हेल्प मी, तुम मेरी सहायता किए, आई वुड हैव फेल, मैं फेल हो गया होता, मतलब अगर तुम मेरी सहायता न किए होते मतलब तब मैं क्या हो जाता फेल हो जाता, आपने मेरी सहायता किया मुझे निकल दिया मैं पास हो गया, तो यहाँ पर उसके बिना नहीं हो पा रहा तो इसको हम किससे जोड़ेंगे विदाउट से। तो दोस्तों पहले हम विदाउट कहाँ पर लगाएंगे, इसके पर लगाएंगे, इसी को हम जीर्ण बनाएंगे और ये जो सेंटेंस है ये पहले हम लिख लेंगे आई वुड हैव
हैव फेल्ड फेल्ड विदाउट विदाउट माने बिना विदाउट योर, देखो यू है तो ये अभी यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, विदाउट योर हेल्प मतलब आपकी सहायता के बिना मैं फेल हो गया होता, दोनों जुड़ गया। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या हमारी है। कंडीशन आपकी सिक्स्थ है फॉर परचेज। अगर आप कोई परचेजिंग कर रहे हैं, रुपए से सामान खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। याद रखना कीमत के लिए किसका प्रयोग होगा, फार का प्रयोग होगा। जैसे दिया है एग्जांपल कि आई बॉट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदा, आई गॉट इट फॉर 10 रुपीज और इसे मैंने 10 रुपये में प्राप्त किया। तो इसमें क्या, बस फॉर 10 रुपीज इसी के पहले लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, आई बॉट, ये जो गॉट है ये हट जाएगा। आई बॉट मैंने बाई का थर्ड सेकेंड रूप क्या है, बाट है। आई बाट अ पेन, आई बाट अ पेन फॉर 10 रुपीज। अंत में लगा दीजिए, काम हो गया। तो से इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दिल को छू रही थी, ट्रिक सभी समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हो सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखे हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए। करीब पॉइंट को आपका रेड में सब्सक्राइब लिखा है उसको टच कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा, तो समझिए सब्सक्राइब हो गया। उसके बाद बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन का जो आर लिखा होगा ऊपर उसी को टच करेंगे तो आपको रोज नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की मिलती रहेगी। आप हमारी अपनी तैयारियाँ करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए कैसा था। तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में अगला पार्ट लेकर हाजिर होते हैं, तब तक टेक केयर, सी यू, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।